और एकता कपूर का ये मानना था कि जब तक ये फ़्रेंचाइज पहली वाली से ज़्यादा फनी ना हो और स्टेक ज़्यादा हाई ना हो तब तक ये करने का फ़ायदा नहीं है तो जब तक ये स्क्रिप्ट पर उस लेवल तक नहीं पहुँचे तब तक हम इससे इसको शूट नहीं किया सो so, जैसे इसको बोला गया ड्रीम गर्ल्ड टू है इट्स एक्चुअली अ वर्जन टू और डबल द फन है सिर्फ आवाज़ ही नहीं पूरा लुक ही अलग है सो दैट्स दैट्स द डिफरेंस एंड बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर नाउ आपको बस एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक फेमिनिन एनर्जी आपको जो आप घर के अंदर होती है उसको थोड़ा और आपको हाईलाइट करना है और एक्टिंग करते हुए ज़्यादा सोचना नहीं है मतलब हम काफ़ी बार अपनी प्रोफाइल या फिर Uh, किस तरह की आवाज़ या फिर आई थिंक एज एन एक्टर आपको खुला हुआ होना चाहिए एज एन एक्टर और पूजा को लेकर दो एक्टर्स ने बहुत इंस्पायर किया है कमलासन सर चाची चाची चार और गोविंदा सर एंड आंटी नंबर वन तो तीस साल बाद तीस पैंतीस साल बाद एक फ़िल्म आ रही है जहाँ पर आपको एक मेल हीरोइन hero, बनता हुआ नजर आएगा